केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ग्वालियर पहुंचे, जहां उन्होंने रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव को लेकर कहा कि ग्वालियर के लिए ऐतिहासिक दिन है। ग्वालियर में आयोजित हो रही रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव के लिए मुख्यमंत्री को तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं। ग्वालियर आज निवेशकों के स्वागत और नया इतिहास रचने के लिए तैयार है। मुख्यमंत्री मोहन यादव के नेतृत्व में हम सब ग्वालियर को आगे बढ़ाएंगे। इसके साथ ही जनधन को 10 वर्ष हो चुके हैं, 53 करोड़ खाता पूरे देश में खुल चुके हैं। 140 करोड़ की आबादी वाले देश में 53 करोड़ लोग बैंक खाते से जुड़े, यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक एक व्यक्ति को बैंक खाते से जोड़ने का अधिकार दिया है। यूपीआई ट्रांजैक्शन में आज हम पूरी दुनिया में नक्षत्र की तरह उभर रहे हैं। 2,30,000 करोड़ रुपए की राशि जनधन खातों में सीधी ट्रांसफर की गई है, जो अपने आप में एक नया इतिहास है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। धार्मिक, आर्थिक, राजनीतिक रूप से विश्व गुरु बनने के लिए देश आगे बढ़ रहा है। आज बहुत बड़ा दिन है ग्वालियर के लिए, बहुत ऐतिहासिक दिवस है। मुख्यमंत्री जी को तहे दिल से मैं धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूँ। इतनी बड़ी औद्योगिक इकाई की एनक्लेव ग्वालियर में आयोजित की जा रही है। ग्वालियर तैयार है, निवेशकों के स्वागत के लिए तैयार है, नई पृष्ठभूमि के लिए तैयार है, नया इतिहास रचने के लिए तैयार है। और मुख्यमंत्री मोहन यादव जी के नेतृत्व में हम सब एक साथ मिलकर ग्वालियर को आगे बढ़ाएंगे। हमारा ग्वालियर बदलता ग्वालियर, हमारा ग्वालियर नया ग्वालियर, यही संदेश के साथ 2020 में एक नई शुरुआत हमने इस संभाग में और इस प्रदेश में की थी, और उसी सफर पर हम लोग पूर्ण रूप से संकल्पित रूप से चल रहे हैं।